दोस्तों इमेजिन करो आप वैकेशन पर अपने दोस्तों के साथ गोवा रोड ट्रिप पर गए, लेकिन जिस ढाबे पर आप रेस्ट करने के लिए रुके थे वहां अचानक कुछ गुंडे आ गए और वो गुंडे आपको कहते हैं या अपनी जेब ढीली करो या मैं तुम्हारे पेट में चाकू घुसाता हूँ। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करेंगे? क्या आप ब्रूसली की तरह गुंडों से फाइट करेंगे या आप बोलोगे भाई मेरे लिए पैसे जरूरी हैं, एक काम कर तू मुझे मार दे। जाहिर है आप ये दोनों ही चीजें नहीं करेंगे, उल्टा आप गुंडे को वो सारे पैसे दे देंगे जो आपने इतने टाइम से कमाए थे। इस तरह की सिचुएशन में आप हो या कोई भी, सभी पैसे के ऊपर अपनी लाइफ को ही चुनते हैं। अब ये तो एक फिक्शनल एग्जांपल था, लेकिन रियल लाइफ में सभी अपनी लाइफ के ऊपर पैसों को चूज करते हैं और अपनी पूरी लाइफ सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहते हैं। अगर आप भी अभी पैसे के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ऑथर विकी रॉबिन की बुक योर मनी और योर लाइफ बुक से कुछ ऐसे लेसन बताऊंगा जिसे आपको पैसे और अपनी लाइफ में से किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं होगी। वीडियो देखने के बाद आप दोनों चूज कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स बिगिन। लेसन नंबर 1, चेंज योर रिलेशनशिप विद मनी। दोस्तों क्या कभी आपको ये फील हुआ है कि आप ज्यादा नहीं कमाते? स्कूल में जो लड़का आपसे पढ़ने में वीक था वो आज आपका डबल सैलरी ले रहा है, आईफोन लेकर घूम रहा है, बाइक पर बंदियों को घुमा रहा है, और यहाँ आप हैं जिसकी सैलरी से उसकी जरूरत भी पूरी ही नहीं हो रही। अगर आप ऐसा फील करते हैं तो आपके मन में कभी ना कभी ये जरूर आया होगा कि काश मेरी भी इनकम ज्यादा होती तो मैं सक्सेसफुल बन जाता, मेरे पास भी आईफोन, स्टाइलिश बाइक, कार, ब्रांडेड कपड़े, जूते, सब कुछ होता। पर ऑथर कहती है ये अप्रोच गलत है। पैसे होने का मतलब ये नहीं है कि आपके जो मन में आए आप बिना सोचे समझे वो चीजें खरीदते जाएं, बल्कि पैसा तो आपको खुशी देने के लिए, आपको फुलफिल फील कराने के लिए होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना होता है, हम तो पैसे इसीलिए कमाते हैं ताकि अपने शौक पूरे कर सके, हमें जो चाहिए वो खरीद सके, खुशी के लिए भला कौन काम करता है। अगर ऐसा है तो चलिए मैं आपको टीना की स्टोरी सुनाता हूँ। टीना एक बहुत ही एम्बिशियस लड़की है, वो चाहती है उसके पास अपना घर हो, गाड़ी हो, वो भी अपने फ्रेंड्स की तरह ब्रांडेड कपड़े पहने, उसकी लाइफ भी इंस्टाग्राम वाले लोगों जैसी हो, जिसके लिए वो बहुत हार्ड वर्क करती है और एक प्रोफेशनल लॉयर बन जाती है। उसके क्लाइंट उसे काफी अच्छा पे भी करते हैं जिससे वो महीने के लाखों रुपए कमाने लगती है, जिसके बाद टीना अपना घर खरीद लेती है, अपनी फेवरेट कार बाय कर लेती है और अब वो बिल्कुल वैसी लाइफ जीने लगती है जैसा उसने सपना देखा था। लेकिन इस लाइफस्टाइल को अचीव करने के लिए उसे दिन के 15-16 घंटे काम करना पड़ता है, कई बार तो टीना रात भर काम करती है। अब तो ऐसा हो गया था कि टीना के पास सारी लग्जरी तो थी लेकिन वो उसे एंजॉय नहीं कर पा रही थी। एक दिन जब वो कोर्टरूम में अपने क्लाइंट का केस हैंडल कर रही थी तभी वो अचानक गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब डॉक्टर्स उसे चेक करते हैं तो वो टीना से कहते हैं ये सब ओवर वर्क लोड और स्ट्रेस की वजह से हुआ है, आपको कम स्ट्रेस लेना चाहिए, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपको हार्ट अटैक आ सकता है और हो सकता है आपकी जान भी चली जाए। टीना डॉक्टर की बात सुनकर हैरान हो जाती है, वो सोचती है एक अच्छी लाइफ जीने के लिए वो इतनी मेहनत करती है, अब अगर वो जिंदा ही नहीं रहेगी तो इन चीजों का क्या फायदा। टीना को अब लाइफ की रियल वैल्यू समझ आ गई थी जिसकी वजह से वो अपना लाइफस्टाइल चेंज करती है। अब वो अपना ज्यादातर समय अपनी फैमिली के साथ बिताती है, सोलो ट्रिप पर जाती है, फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पर चली जाती है, वो हर क्लाइंट का काम देखने की जगह सिर्फ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को ही हैंडल करती है, जिससे दिन के 5-6 घंटे काम करके भी वो काफी अच्छा कमा लेती है। केस हैंडल करने के साथ टीना साइड बाय साइड अपने पैसे इन्वेस्ट भी करती है, जिसे देखते ही देखते उसका काफी तगड़ा पोर्टफोलियो बन जाता है जिससे उसे रिटर्न मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब महीने में 2-4 केस हैंडल करके भी टीना अपने खर्चे संभाल रही थी और अब वो पहले से भी ज्यादा खुश थी, और ये सब हो पाया क्योंकि टीना ने पैसों के साथ अपने रिलेशन को चेंज किया था। उसने पैसे खर्च करने की जगह उसे इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया जिससे पैसा उसके लिए काम करने लगा और उसके लिए खुद ही पैसा कमाने लगा। तो अगर आपको भी अमीर बनना है तो आपको पैसे के साथ अपने रिलेशनशिप को चेंज करना पड़ेगा। नंबर 2, डिस्कवर योर रियल आर्ली वेज रेट। वैसे आप ऑफिस जाकर 8 घंटे काम करके जितना हार्ड वर्क करते हैं क्या आपको उसके बराबर सैलरी मिलती है? क्या आपको अपना आर्ली वेज रेट पता है और क्या उस वेज रेट से आपका खर्चा चल सकता है? अगर आपको अपनी वेज रेट के बारे में कुछ पता नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अंधेरे में तीर चलाए जा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ऐसा करके आप अमीर बन जाएंगे। तो सॉरी, ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप सब कुछ अपने इमेजिनेशन में ही सोचे जा रहे हो, आप रियलिटी के आसपास भी नहीं हैं। आई नो अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये आर्ली वेज रेट क्या होता है, तो चलिए उसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। मिलिए रोहन से। रोहन एक आईटी कंपनी में काम करता है जहां उसे 80,000 का सैलरी पैकेज मिलता है।
रोहन महीने के 25 दिन काम करता है तो इस तरह 80,000 डिवाइडेड बाय 25 करने पर वो दिन का 3200 रुपए कमाता है। अब क्योंकि उसकी 8 आवर्स जॉब थी इसीलिए उसकी आर्ली वेज रेट 3200 डिवाइडेड बाय 8 यानी 400 रुपए होंगे। आप में से ज्यादातर लोग आर्ली वेज रेट इसी तरह से कैलकुलेट कर रहे होंगे, पर ये तरीका सही नहीं है क्योंकि आप सिर्फ 8 घंटे काम नहीं करते, आपको आपके घर से निकलकर ऑफिस पहुंचने में जितना टाइम लगता है वो भी आपके वर्किंग आवर्स में ऐड होता है। इवन घर पर आप अगले दिन की जो तैयारी करते हैं उसे भी आर्ली वेज रेट कैलकुलेट करने में ऐड किया जाता है। अब क्योंकि हमारे रोहन का ऑफिस उसके घर से 1.5 घंटे की दूरी पर था तो उसे आने जाने में 3 घंटे लगते थे, और क्योंकि रोहन ऑफिस के बाद हर दिन अगले दिन की तैयारी करने के लिए 1 घंटा देता था तो इस तरह वो 8 घंटे नहीं बल्कि 12 घंटे काम करता था। मतलब उसका आर्ली वेज रेट 3200 डिवाइडेड बाय 12 यानी करीब 266 रुपए के आसपास था। अब अगर आप 1 घंटे में इतना कम कमाएंगे तो आप अमीर कैसे बन पाएंगे? इसीलिए अमीर बनने के लिए आपको सबसे पहले अपने हर घंटे की इनकम को बढ़ाना होगा। फिर जब आपकी हर घंटे की कमाई बढ़ जाएगी तो आपकी मंथली इनकम भी बढ़ जाएगी। नंबर 3, इन्वेस्ट फॉर अ पर्पस। दोस्तों, अब आप फाइनेंशियली जिस पोजीशन पर हैं या जितने रुपए आप कमा रहे हैं, क्या आज से 10 साल पहले भी आप उतना ही कमा रहे थे? क्या आपके पास ढंग का इनकम सोर्स था? क्या आप अपने खर्चे खुद उठा पाते थे? नहीं ना। लेकिन आज आप इस पोजीशन पर हैं जहां आप न सिर्फ अपने खर्चे उठा सकते हैं बल्कि आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं, अपनी अपने पेरेंट्स सभी की विश पूरी कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि इतने टाइम में आप अर्निंग तो करने लगे हैं, पर क्या आपने इन्वेस्टमेंट करने के बारे में कुछ सोचा है? अगर आप सोचते हैं, थोड़ी बहुत फाइनेंशियल वीडियोस देखकर अच्छे इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को कॉपी करके मैं कुछ स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में पैसे इन्वेस्ट करके कुछ साल बाद फाइनेंशियली फ्री हो जाऊंगा, तो सिर्फ आप नहीं आजकल ज्यादातर लोग इस तरीके से ही इन्वेस्टिंग करने का सोचते हैं। पर इन्वेस्टिंग करने का ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप बिना किसी जानकारी के एक अनजान रास्ते पर चल रहे हैं और आपको पता भी नहीं है वो रास्ता आपको कहां लेकर जाएगा। इसीलिए गाइस, बुक में ऑथर कहती हैं, आपको सिर्फ अमीर बनने के लिए या सिर्फ फाइनेंशियल फ्रीडम के लालच में इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको पहले सोचना चाहिए कि आपको इन्वेस्टिंग क्यों करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप अर्ली रिटायरमेंट चाहते हैं और अभी आपकी एज 25 साल है तो आपका टारगेट होना चाहिए अगले 10-15 साल में या उससे पहले फाइनेंशियली फ्री हो जाऊं। इसके बाद आपको उन्हीं म्यूचुअल फंड्स, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए जो आपके इस गोल के साथ अलाइन करें। इस तरह से जब आप किसी पर्पस के साथ इन्वेस्टिंग करेंगे तो आप ज्यादा जल्दी अपने गोल्स तक पहुंच पाएंगे। नंबर 4, वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। जब मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो मुझे एक लाइन काफी अच्छी लगी जो थी, मनी इजंट रुपीस, डॉलर्स और यूरोस, इंस्टेड इट्स योर लाइफ एनर्जी। मतलब पैसा ना तो रुपया है, ना डॉलर है, ना यूरो है, बल्कि ये आपकी लाइफ एनर्जी है। दोस्तों, आप खुद सोच कर देखो, पैसा कमाने के लिए आप क्या नहीं करते। आप जो भी चीजें करनी पसंद करते हैं आप उसे छोड़कर 8-9 घंटे उस जगह पर काम कर रहे हो जहां से आपको पैसा मिलेगा। मींस यहां आप सिर्फ काम ही नहीं कर रहे हैं बल्कि अपनी एनर्जी भी दे रहे हैं। इन शॉर्ट, आप पैसे कमाने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी दे रहे हैं। तो जब आप अपने पैसों को बिना सोचे समझे खर्च करते हैं उस समय सिर्फ आपका पैसा ही खर्च नहीं होता बल्कि आपकी लाइफ एनर्जी भी खर्च होती है। मान लो आपकी सैलरी 30,000 है और आप 90,000 का आईफोन खरीद लेते हैं तो आप 90,000 रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं बल्कि आप अपने 3 महीने की एनर्जी खर्च कर रहे हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म में उतनी खुशी भी नहीं मिलेगी। जबकि आईफोन खरीदने की जगह आप अगर 10,000 रुपए में अपने फैमिली के साथ किसी ट्रिप पर चले जाते हैं जिसमें आपका 10,000 रुपए खर्च होता है तो इसमें आपको अपनी सिर्फ 10 दिन की एनर्जी देनी है और आप जिंदगी भर की यादें बना लेंगे। तो अब आप किसी भी चीज में पैसे खर्च करने से पहले सोचिए जिस चीज में आप पैसे खर्च करने जा रहे हैं उस चीज में आपकी कितनी लाइफ एनर्जी लगने वाली है। जब आप इस तरह से सोचना शुरू करेंगे तो आप बेकार की चीजों में पैसे खर्च करना अपने आप ही बंद कर देंगे। नंबर 5, फाइंड योर क्रॉस ओवर पॉइंट। अगर आप एक हार्ड वर्किंग आदमी है जो अपने जॉब पर बहुत मेहनत करता है तो दोस्त, आप अमीर बनने के अपने सपने को छोड़ दीजिए, क्योंकि ऑथर कहती हैं सिर्फ अपने एक्टिव इनकम के सहारे आप फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाएंगे। फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपके पास एक्टिव इनकम के साथ पैसिव इनकम होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी एक्टिव इनकम आपके नीड्स को ही पूरा करेगी तो आप पैसे से पैसा कैसे बनाएंगे। इसीलिए जरूरी है कि आपके इनकम और एक्सपेंसेस में ज्यादा गैप हो। एग्जांपल से समझाऊं तो राहुल महीने का 40,000 रुपए कमाता है लेकिन उसके खर्चे 35,000 हैं, तो ये राहुल के लिए अलर्ट का साइन है।
क्योंकि उसके कमाई और खर्चे के बीच बहुत ही कम गैप है। राहुल को पैसिव इनकम कमाने पर फोकस करना पड़ेगा और साइड बाय साइड इन्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। जब राहुल कंटिन्यूसली अपने पैसे इन्वेस्ट करेगा तब कुछ महीने बाद उसे उसके इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने लगेगा, जिससे उसकी इनकम बढ़ जाएगी और वो अपने एक्सपेंसेस को क्रॉस कर देगा। यही होगा उसका क्रॉस ओवर पॉइंट। आपका क्रॉस ओवर पॉइंट एक्सपेंसेस से जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा है। नंबर 6, रिमूव ऑल द डेट्स। आपके फाइनेंशियल जर्नी का सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो वो आपकी लेस सैलरी नहीं बल्कि डेट है। डेट की वजह से लोग अपने फाइनेंशियल जर्नी में कभी आगे नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा बस यही टेंशन रहती है कि सैलरी आते ही उन्हें EMI देनी होगी, क्रेडिट कार्ड का बिल भरना होगा। अगर आप भी डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं तो सबसे पहले आपको डेट के ट्रैप से बाहर आना पड़ेगा, जिसके लिए ऑथर 4-स्टेप तरीका भी बताती है। स्टेप नंबर 1, क्रिएट ए डेट रीपेमेंट प्लान। जिस तरह से हम बिना सोचे समझे उधार या लोन ले लेते हैं, उसका पेमेंट भी हम उसी तरह बिना सोचे समझे करते हैं। पर ऑथर का मानना है कि डेट को जल्दी पे करने के लिए आपके पास डेट पे करने का पूरा प्लान होना चाहिए। आप एक पेन पेपर लीजिए और अपने सारे डेट को उसमें लिख दीजिए, फिर देखिए किस डेट का प्रिंसिपल अमाउंट, EMI और इंटरेस्ट कितना है। इन तीनों चीजों को ट्रैक करने के बाद आप प्लान कीजिए कि आपको डेट पेमेंट कैसे करना है। इसमें आपको डिसाइड करना होगा कि कौन सा डेट पहले पे करना है और बाद में कौन सा। स्टेप नंबर 2, ट्रैक योर एक्सपेंसेस एंड ट्राई टू मिनिमाइज इट। अब एक तरफ आपने सोच लिया है कि आप अपना डेट पे करेंगे और दूसरी तरफ आप बिना सोचे समझे खर्च करते जाएंगे तो कैसे चलेगा। इसीलिए इस स्टेप पर आपको अपने खर्चे को ट्रैक करना है और देखना है आप कितना बेफजूल खर्च करते हैं, फिर आपको उन खर्चों को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। स्टेप नंबर 3, यूज स्नोबॉल मेथड टू पे डेट। जब आप अपने खर्चों को सही से ट्रैक कर लें, उसके बाद आपको स्नोबॉल मेथड की हेल्प से अपना डेट पे करना चाहिए, जो कहता है आपको अपना सबसे छोटा डेट पहले और बड़ा डेट बाद में पे करना चाहिए। स्टेप नंबर 4, अवॉइड टेकिंग लोन। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। जब आप लोन रीपे कर रहे हैं तो उसी के साथ आपको ये भी सोचना चाहिए कि अब से आपको किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लेना है। जितना हो सके आपको उतना अपने इनकम को बढ़ाने पर फोकस करना चाहिए। लोन लेना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अगर आपने ऐसा कर लिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में काफी आगे निकल जाएंगे। तो योर मनी और योर लाइफ बुक का ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि आपको पूरी लाइफ सिर्फ पैसों के पीछे नहीं भागना है, बल्कि आपको अपनी लाइफ में पैसिव इनकम जनरेट करके कुछ सही फाइनेंशियल स्टेप लेकर पैसे के इनफ्लो को स्मूथ बनाकर अपनी लाइफ भी इंजॉय करनी है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू ब्रेन ब्रेन फैमिली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बताएं। जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ।